हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जोकर रयान में, यानी कि जोकर वही और अंदाज नया। दोस्तों आज की वीडियो देखो कितनी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैं प्रैंक करने वाला हूँ अपनी मम्मी पे, क्योंकि वो बहुत दूर से फ़ोन कर रही है, मैं ऑफिस में फंसाऊंगा अपने कि लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने कहा चलो परेशान करते हैं, बहुत परेशान है वो कि घर पे आ जा, बेटे को देखने को नहीं मिला। तो एक शौक देने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार, तो वीडियो को पूरा देखो और मिलाते हैं अम्मी को फ़ोन। लो मजे। हाँ बहुत परेशान हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक है। और तू अगर तू इतने दिन हो गए घर की नहीं आ रहा? अरे वही फंसा हुआ ना ऑफिस में लॉकडाउन के चक्कर में, तो फिर यहीं पे काम वाम सब यहीं कर रहा हूँ। तो इस महीने के पैसे भी देने हैं घर पे, तो मैंने सोचा अब ये खत्म हो तब देखूँ। और सब घर में कैसे हैं सब भाभी अभी सब? घर में तो सब ठीक है, तू बता इतने बकला है। अब तेरे लिए लॉकडाउन ज्यादा तगड़ा है क्या? तो घर पे तो आ सकता है ना? हाँ हाँ मैं आऊंगा। अच्छा तुम्हें एक बात बतानी है जरा मुझे। क्या बतानी है बता? तुम्हें फ़ोन कर नहीं पाया, मैं कुछ छुपा रखा है मैंने तुमसे, तो सोच रहा हूँ आज वो बता दूँ तुम्हें। तो कोई है तो नहीं पास में? पापा तो नहीं, उन्हें किसी को बोलना मत अभी। नहीं पापा पापा तो अभी बाहर ही कहीं मन, मतलब देख देख कहीं खड़े होंगे। अभी किसी को बोलना मत है ना। तो मैं ही बोल रहा हूँ क्योंकि तुम परेशान ज़्यादा होती हो। अरे मैं ऑफिस में था, रुका हुआ ना बहुत दिनों से। अच्छा। और उससे पहले भी तुम्हें पता है मैं घर नहीं आया एक महीने तक। हाँ। तो तुम वो रिश्ता आया था मेरे लिए जो घर पे, उसका क्या हुआ? क्या हुआ बस, अब तू घर आएगा जल्दी तो बात बात बने। अभी तक लॉकडाउन के चक्कर में कोई बात नहीं हो पा रही है, तो एक काम करो लॉकडाउन खत्म हो तो पक्का करें, साझेदारी की तैयारी करें। अच्छा एक काम करो कि उन लोगों को ना मना कर दो मम्मी तुम। क्यों? अरे हुआ ये कि मतलब मैं बाहर रह रहा हूँ ज्यादा, तो मैंने एक फ्लैट लिया है यहाँ पे, तो मैं दिखाऊंगा फ्लैट अपना। और एक मतलब एक लड़की से ना शादी कर ली मैंने, तो मेरे साथ ही रहती है। शादी कर ली और उनके साथ उसके साथ ही रह रहा हूँ मैं, तो मैं ये तुम्हें ये बोल रहा था कि लड़को उन्हें मना कर दो किसी और को, और किसी को बोलना मत पापा पापा कुछ कहें अभी, तो तुम्हें ये बताया मैंने। मना कर दे मतलब तूने शादी चुपके तूने शादी भी कर ली? हाँ शादी कर ली, जब तो नहीं आ रहा हूँ मैं घर, और मैं अभी तक कम से कम 2-4 महीने घर आऊंगा नहीं मैं। जो तेरा रिश्ता हुआ है क्या जवाब देंगे आप उनको? देखो कुछ भी बोल दो मना कर दो, क्योंकि मैंने कर ली शादी और मैंने एक तो तुम लौंडियाँ दिखाती हो ऐसी ऐसी बुरी बुरी सी, मुझे पसंद नहीं आती। अच्छा बुरी बुरी मतलब तेरी पसंद जितनी अच्छी है हमारी पसंद ना बुरी हो गई तेरे लिए है ना? नहीं देखो मुझे नहीं पता, मैं पहले बोल रहा हूँ लॉकडाउन के बाद मैं घर नहीं आऊंगा कम से कम 2-3 महीने। क्यों नहीं आएगा? और जो हमने रिश्ता कराया है वहाँ भी उनको? अरे लड़की अच्छी है वो, तुम मिलना एक बार, लड़की बहुत अच्छी है। तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया, तुम शादी नहीं करने देते। तो शादी नहीं करने देंगे तो अब हो गया अचानक से गलती से हो गया सब कुछ, कुछ गलत काम हो गया था, हो गया गलती से, क्या करता मैं? गलत काम मतलब तूने गलत काम कर लिया और तूने हमें बताना भी, मतलब शादी हम तो पूछ के तो कर लेता कम से कम। पूछ के करता तो तुम करने नहीं देती ना। क्यों किन करने देता? अगर अच्छी होगी लड़की तो हम क्यों मना करते? हमें तो तेरी शादी से मतलब था और तूने मतलब वहां शादी कर ली। हमें तो तेरी शादी से मतलब था, अच्छी बुरी से क्या? जो तुझे पसंद है वो लड़की अच्छी होती। चल हमारी पसंद से नहीं करी, अपनी पसंद से करी, तो तूने चुपके से शादी क्यों करी? मैं बोल लूं तुम्हें? सुनो मेरी बात पहले, चीखो मत, पैसा चाहिए, मैं पैसा महीने के महीने भिजवाता रहूंगा। पैसे क्या हम क्या देंगे? पैसे से हमें क्या मतलब है? हमारे घर तू ही लड़का है, तू चुपचाप शादी कर ले कहीं जाके, तो हो हमें क्या करना है? अरे हो तो तूने हमारी कटा दी, मतलब तू ना कटा देगा हमारी और पैसे दे देगा, पैसा हमारे इतनी ज्यादा इज्जत से ज्यादा पैसा प्यार आया हमारी है, पैसा देता रहेगा। देखो तुम लोग, तुमने अभी कहा तुम मेरे भरोसे, ठीक है तो मैं पैसा भिजवाता रहूंगा, मैं वहाँ पे आ नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि अब मुझे ही अच्छा लगने लगा है सब कुछ। जो यहाँ अकेले रहेंगे हैं तेरे बगैर। अरे तो पैसा भिजवा तो रहा हूँ, तुम लोग रहो ना आराम से, भाभी हैं भाई है सब कोई है, तो भाभी है भाई है पर तू भी तो हमारा बच्चा है, हम तेरे बगैर अकेले रह लेंगे। मैं साफ बोल रहा हूँ मैं नहीं आ पाऊंगा अब घर पर लॉकडाउन के बाद ना, तुम इतने फोन कर रही थी, मैंने सोचा आज बता दे रहा हूँ तुम्हें, अच्छा खासा रह रहा हूँ मैं, रोटी पानी सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उन्हें क्या जवाब नहीं ये बता पहले, मना कर दो ना, या उनसे दूसरी शादी थोड़ी करूंगा मैं। अब क्या बोला उससे कि हमारे बेटे ने कहीं और शादी कर ली? बोल दो भाग के शादी कर ली उसने, बरादरी में जो नाक कटेगी।
ना की बड़ी चिंता है तुम्हें, बेटे की चिंता नहीं है? बेटे ने हमारी चिंता करी। ये सही बात है। बेटे ने हमारी चिंता करी कि हमारे माँ बाप का क्या होगा, हम चुपके से शादी कर लेंगे तो कोई कुछ कह थोड़ी रहा है। अच्छा खासा पैसा मैं कमा रहा हूँ, तुम्हारी बहू को भी कहीं लगा दूंगा सरकारी नौकरी पे, पैसा आएगा, लोग इज्जत करेंगे। बताओ और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में? करेंगे, बेटे ने भूखे शादी कर ली, इज्जत करेंगे बच्चे, मतलब लोग। तो करना क्या ये बताओ, मैंने जो बोल दिया मैं फाइनल है, बस बात खत्म, मैं फोन काट रहा हूँ, और क्या कहूँ बताओ? तू घर आ जा। मैं घर आऊंगा दो चार महीने के बाद, एक बालक वालक हो जाएगा जब आऊंगा मैं घर। महीने के बाद बालक वालक क्या, मतलब दो चार महीने बाद बालक पैदा करके ही घर आएगा? हाँ आराम से आऊंगा मैं, एक साल बाद घर। एक साल बाद, अब एक साल बाद आएगा तो बालक तेरे पापा आएंगे, उनसे मैं क्या बोलूं? मुझे भी नहीं पता क्या बोलना है, जो करना है करो, मैं नहीं जानता कुछ भी, और मैं ना आने का। क्यों ना आने का? अरे भैया बहू ना जान दे, बहू को दिखा तो दे, बहू कैसी पसंद करी है, कैसी ना करी है तूने? मैं बाद में दिखाऊंगा, भाभी ना दिखा रहा मैं। मतलब शादी करके अपन ही देखेगा बहू, मतलब देख तो ले हमको अच्छी बुरी कैसी है कैसी ना है। जैसी है मेरे लिए ठीक है, तुम्हें क्या करना है उसका, शादी मेरी हो रही है। अच्छी होगी बिराजी से मिलवा भी देंगे, अगर अब तूने नाक कटा ही दिए तूने तो। अब जब देख लेना, आराम से आऊंगा मैं, कम से कम एक साल बाद, बालक अलग हो जाएगा जब आऊंगा, पैसा भिजवा रहा हूँ टाइम से, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे मोहल्ले वाले, हमारा बेटा कहाँ चला गया? क्या तो बग्गा लोंडिया के साथ, मतलब यही बोल रहे हैं बग्गा लोंडिया को लेकर? हाँ यही बोल देना, लोंडिया के साथ बग्गा। तेरे पापा आएंगे क्या बोलूंगी, समझा लो, जो करना वो कर लेना। तू पापा से बात नहीं कर पाएगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन कर दिया, बता दिया मैंने। मतलब ये काम करना तेरे बस की थी, तू पापा से बात भी नहीं कर पाएगा? नहीं, कम से कम पापा को फोन तो कर ले, पापा से तो बात कर ले कम से कम अपने। मैं नहीं कर सकता, मैं किसी से नहीं कर रहा, तुम्हें बताना था, बता दिया, बात खत्म। तो मुझे तो बता दिया पापा, मुझे जान से मार देंगे अगर मैंने उनसे बोल दिया तो। अरे तो दूसरा बेटा गोद ले लेना कहीं और से, मेरे जितना चाहो मिल जाएगा। हाँ गुस्सा दिखाई जा रही हो, हाँ जो बेइज्जती हुई है वो सही हो जाएगी बाद में। मैं कुछ नहीं आती, बस तू अपने पापा से फोन पे बात कर ले, मैं उनका सामना नहीं कर सकती, वो मुझे उल्टी सीधी सुना देंगे। मेरे से भी सामना नहीं होगा, दिक्कत तो यही है, डंडे से मारेंगे चूतड़ों पे खामा खा। जब तूने करा मैं ऐसे करे तो पिटाई गई, तुम तो नहीं मारोगी? बेटा देख, माँ बेशक मुंह से बोल सकती है बुरा, दिल से नहीं बोलेगी, पर अपने बाप को तो तू समझा ले, तेरा बाप तो जान से मार देगा ना, तो अपने बाप को मना ले। तो एक काम करो, देखो तूने जो करना था वो तो तूने कर लिया। अच्छा सुनो ना, एक काम करो ना, थोड़ा सा साथ तुम दे दो मेरे को, तो मैं बोलूँगा तो बजा देंगे, तुम एक बार बात कर लो ना अच्छे से उनसे। तू अपने पापा से कुछ फोन कर ले, तू अपने पापा से बात कर ले कि मैंने ऐसा ऐसा कर लिया, तुम इंसान को सामने नहीं कर सकती, वो मेरी वाट लगा दूंगी। तो क्या करेंगे, तुम्हें थोड़ी मारेंगे वो, मुझे तो मार भी सकते हैं, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेंगे वो, मुझे घर से निकाल देंगे और क्या करेंगे। मतलब तुम्हें अपना डर है घर से निकल जाओगे? नहीं मतलब तुम्हें अपना डर है कि घर से निकल जाओगे, मेरा डर नहीं है कि इतना मारेंगे मुझे। तुमने तो काम करे, तू पिटेगा तो क्या परेशानी है, तूने तो करे नहीं ऐसे करे, तू पिट लेगा क्योंकि तूने गलती करी है, इसलिए तू पिट सकता है। मैंने गलती तो नहीं करी, मैं सुनूंगी, मुझे तो घर से निकाल देंगे। ऐसा लग रहा है प्यार का पंचनामा देखी होने लगी, है तो क्या शूट में क्या दिक्कत हो गई मेरे? गुल थोड़ी खिलाना, शादी तो करिए, गुल गुल खिलाना क्या होता है? घर से गया सूट करना है, वहाँ जाके शादी बता रहा है। अरे तो क्या हो गया, शादी बड़ा हो गया, जवान हो गया तुम्हारा लौंडा? जवान हो गया शादी करने के लिए, जवान हो गया कुछ मतलब बात नहीं कर सका है, शादी करने के लिए जवान हुआ है, काम करने के लिए जवान हुआ। तो काम कर तो रहा हूँ, और कैसे काम करूँ? नहीं सूट में तेरे को कितने पैसे मिल जाते हैं, कोई अच्छी सी नौकरी करी जॉब करी तूने, सूट में कितने पैसे मिल जाते, बड़ा काम करके दिखाता। अच्छा एक बात सुनो, पापा से कहना कि ऐसे ऐसे अयान ने ऐसे ऐसे शादी कर ली है, जरा प्यार समझा देना, जो कि मैं बच जाऊं, पहली बोल रहा हूं मैं, बच जाऊं, पहले तू घर आ। तुम और डरा रही हो, ऐसे लगे घर आ, घर आ काटोगी क्या मुझे? अब मैं नहीं काटूंगी बेटा, जो करेंगे तेरे पापा करेंगे। मतलब नहीं बचाओगे तुम? मैं तो थोड़ा बहुत तो दूर कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं। अच्छा थोड़ा करोगी, ज्यादा नहीं करोगी? थोड़ा बहुत करूंगी, थोड़ा बहुत। अच्छा तो मेरी औलाद है इसलिए थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। अच्छा बस तुम प्यार करती हो मेरे से?
तेरे सारे गुनाह माफ ना कर दूंगी मैं, बेटा है तू तो एक काम माफ कर सकती हो। चल अच्छा एक काम करना, अभी पापा आएंगे तो उनसे कहना कि आयन का फोन आया था, ठीक है? और कौन बोल रही है बेटा, मैं शादी की नहीं बोलूंगी तेरे पापा से, कि मेरे तुम्हारे आयन बेटे ने शादी कर ली है। ना ना मैं जो मैं बताऊँ सिर्फ वही कहना और कुछ मत कहना, ठीक है? जो मैं बताऊँ वही कहना कि आयन का फोन आया था, उसने कहा कि एक लड़की शादी कर ली है और एंड में उसने बोला कि वो प्रैंक कर रहा था, मेरे से झूठ बोल रहा था। मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं किया, मैं शूट कर रहा था अपना। अच्छा अच्छा झूठ लग रहा है तो मैं एक काम करना, कल मेरी वीडियो आ जाएगी तो तुमसे बात करते हुए आ जाएगी, मैं मजाक कर रहा हूँ देख लेना बस बस। अच्छा अभी तू कह रहा शादी कर ली मैंने, अब कह रहा तू प्रैंक प्रैंक के नाम पे तू कुछ भी कर लेगा। नहीं देख लेना, अच्छा तुम झूठ मान रहे हो, मैंने कोई शादी आदि नहीं, डरो मत ठीक है, पापा से बोल मत देना, पता लगा मेरा ये सब काम छुड़वा दे मेरा, वो पता लगा सच बता। अरे सच बोल रहा, अच्छा कल वीडियो आएगी मेरी देख लेना बस, झूठ बोला मजाक कर रहा था तुमसे। अब एक बात होता, तुम्हारा लड़का सबसे मजाक करता है तो तुमसे ना करे, वरना तो वही कह रहा हूँ तुमसे ना मजाक करे, तुम्हारा लड़का दुनिया से करता फिरता है तो दुनिया से करता है, मैं ही मिली हूँ मजाक करने के लिए, ला मम्मी से ही मजाक कर ले। अरे ना ना टेंशन ना लो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ठीक है, मैं आऊंगा अभी लॉकडाउन खुलते फिर घर आता हूँ ठीक है, और झूठ लगे अरे नहीं करी ना नहीं करी अच्छा सुनो सुनो मैं आऊंगा वीडियो देख लेना कल, तुम्हें यकीन हो जाएगा बस। कल आएगा? हाँ कल आऊंगा, चलो कल नहीं लॉकडाउन के बाद, कल कहाँ से हो गया, लॉकडाउन बुलवा रही है ना 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 लॉकडाउन के बाद ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। पापा तो कुछ नहीं बोलते? ना ना कुछ मत बोलना, मरवाओगी क्या? चलो अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया प्यार का पंचनामा देख ली क्या, पैं 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 बोले जा रही हैं, सपोर्टिव तो हैं लग रहा है। चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जोकर आया।